नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेकवाइज स्टूडियो में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित तिवारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपका जीरो अमाउंट का चालान कटा हुआ है, यानी कि आपका चालान ट्रैफिक पुलिस ने किया है और आपको जो रिसिप्ट मिली हुई है उसमें चालान का अमाउंट जो है वो जीरो आ रहा है, अभी करंट में उसमें कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, तो ऑनलाइन आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि कितने का चालान है ये। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए इस तरीके का चालान है अगर, जिसमें जीरो लिखा हुआ होता है। मैं दिखा देता हूँ अमाउंट भी, तो ये देखिए इस तरीके से अगर आपको पर्ची मिली हुई है जिसमें सारी डिटेल्स तो हैं, जैसे कि आपका व्हीकल नंबर हो गया, ओनर का नेम वगैरह हो गया, वो सारी डिटेल्स इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन आपका चालान का अमाउंट जो है वो नहीं लिखा हुआ है। चालान की लोकेशन भी लिखी हुई है कि कहाँ पे चालान कटा है और किस ऑफेंस में कटा हुआ है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जो अमाउंट है वो नहीं लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर अमाउंट जो है वो जीरो लिखा हुआ आ रहा है। तो आप इस चालान के अमाउंट को कैसे चेक कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, आपके भाई के चैनल पर चैनल मेंबरशिप का ऑप्शन इनेबल हो गया है, तो अब आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। ज्वाइन बटन आप लोगों को वीडियो के नीचे यहां पर मिल जाएगी और चैनल के होम पेज पर भी यहां पर आप लोगों को ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप लोग भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और यूजफुल वीडियो बनाता रहूँ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। धन्यवाद। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, इसके बाद वर्चुअल कोर्ट लिख के सर्च करना है, और ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वर्चुअल कोर्ट वाला, इसे आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, इस तरीके से वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ से आपको ये जो दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट लिखा हुआ है आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद यहाँ साइड में आपको प्रोसीड नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको चालान चेक करने के चार ऑप्शन दिखेंगे। तो पहला है दोस्तों, आप मोबाइल नंबर भर के चालान चेक कर सकते हैं, दूसरा आप CNR नंबर भर के चालान चेक कर सकते हैं, तीसरा है आप पार्टी के नाम से भी चालान चेक कर सकते हैं, और चौथा ऑप्शन है चालान नंबर या फिर व्हीकल नंबर भर के आप अपना चालान चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से ये जो चौथा वाला ऑप्शन है आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब अगर दोस्तों आपके पास चालान नंबर है तो इस वाले बॉक्स में आपको चालान नंबर भर लेना है। चालान नंबर आपको इस वाली पर्ची पे भी मिल जाएगा, ये देखिए इस तरीके से चालान नंबर होगा, आपको इसे भर लेना है। और अगर चालान नंबर से ढूंढने में कोई परेशानी हो रही है तो यहाँ पर आपको अपने व्हीकल का नंबर भर लेना है। आपको दोनों चीजें नहीं भरनी है, चाहे आपको चालान नंबर भरना है या फिर व्हीकल नंबर, दोनों में से एक ही भरना है, ठीक है। इसके बाद ये वाला कैप्चा जो है इसे आपको इस बॉक्स में भर लेना है, और इसके बाद यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए व्हीकल नंबर भर लेते हैं, इसके बाद यहाँ से सबमिट कर देना है, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आपको रिकॉर्ड दिख जाएगा। तो इस चालान को अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीडिंग ऑफ द चालान इज येट टू बी कम्प्लीटेड, यानी कि अभी इसकी प्रोसीडिंग जो है वो कम्प्लीट नहीं हुई है। तो ये प्रोसीडिंग जो है ये कम्प्लीट होने में 24 से 48 घंटे लग जाते हैं, यानी कि जिस डेट और टाइम पे आपका चालान हुआ है उससे 48 घंटे, ठीक है, तो इतना टाइम लग जाता है। तो अगर प्रोसीडिंग कम्प्लीट हो गई होगी तो यहाँ पर आपको डिटेल आ जाएगी, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा, और अगर कम्प्लीट नहीं हुई होगी तो इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है, और कंप्लीट होने के बाद कैसा आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अगर प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई होगी तो इस तरीके से जो है तो कितने चालान होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, और उनकी डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। तो जो फाइन ऑनलाइन लगा होगा वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5,000 लगा हुआ है, यहाँ पे 2,000 लगा हुआ है, यहाँ पे 2,000 लगा हुआ है, ठीक है, और भी है, मैं नीचे वाला भी दिखा देता हूँ आपको। ये टोटल जो है ये 9,000 रुपये का फाइन है। एक्चुअली क्या है, ये बाइक का चालान है, और जो आदमी बाइक को ड्राइव कर रहा था उसकी बाइक नहीं थी, बाइक किसी और की थी, तो इसमें जो चला रहा था उसका भी चालान हुआ है और जिसकी बाइक थी उसका भी चालान हुआ है। तो 9,000 रुपये जो है वो जो चला रहा था उसके ऊपर, और 9,000 रुपये जिसकी बाइक थी उसके ऊपर। तो इस तरीके से आप इसकी डिटेल जो है वो निकाल सकते हैं, और यहाँ पर आपको व्यू का ऑप्शन दिख जाएगा ये वाला, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी बाकी की भी डिटेल आपको दिख जाएगी। थोड़ा सा वेट कर लेना है आपको,
तो आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, CNR नंबर, चलान नंबर, चलान डेट, नाम वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। और यहाँ नीचे आपको रिसीव डेट, वेरीफाइड डेट, एलोकेटेड डेट और प्रोसीडिंग की डेट भी आपको दिख जाएगी, ठीक है। और नीचे जाएंगे तो बाकी का भी डाटा आपको मिल जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे ऑफेंस भी लिखा हुआ है, टू ड्राइव ए व्हीकल विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग एन अनसिक्योर्ड व्हीकल और विथ एक्सपायर्ड इंश्योरेंस, वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन और रोड सेफ्टी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ PUC, यानी कि पोल्यूशन भी नहीं था। और किस सेक्शन में कितने का पेनाल्टी लगी हुई है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। तो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस का 5,000 लगा हुआ है और विदाउट इंश्योरेंस का 2,000 और विदाउट PUC का 2,000, तो ये टोटल 9,000 रुपए का चलान है एक पर्सन का। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना चलान चेक कर सकते हैं। वर्चुअल कोड का चलान पे कैसे करना है उसकी भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो अगर आपको इस चलान की पेमेंट करनी है तो आप वो वीडियो देख के चलान की पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पे कोई चलान शो हो रहा है, आपको उसकी पेमेंट करनी है, तो उसकी भी वीडियो जो है वो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन में और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख के अपना चलान पे कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।